हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि। स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको सात ऐसी चीज़ें दूंगा जिससे आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। उस चीज़ से ठीक है, लाखों करोड़ लोगों की ज़िंदगी बदली है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो स्टार्स हैं ठीक है, ये जो दुनिया के स्टार है, जो दुनिया को बदल रहे हैं, ये सात आदत उनमें हैं ठीक है। मैं नहीं दूंगा, एक ऐसी किताब है जिसके बारे में आपको बताऊंगा, वो चीज़ आपकी ज़िंदगी बदलेगी, मैं नहीं बदलूंगा ठीक है दोस्तों। तो मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ जिस तरीके से मैं आपकी ज़िंदगी बदल सकती है ठीक है। आइए जानते हैं इस किताब का नाम क्या है ठीक है। इस किताब का नाम है सेवेन हैबिट हाइली इफेक्टिव पीपल ठीक है। इसको कितने लिखा था, स्टीफन आर कावे ठीक है। ये किताब मैं आपको बता दूं, बेस्ट सेलर बुक रह चुकी है ठीक है। आप जैसे कि यहाँ भी देख रहे होंगे 15 मिलियन इसकी कापी बिकी है ठीक है, 1.5 करोड़ इसकी कापियां बिक चुकी है। ये इतनी बेहतरीन बुक है, इतनी बेहतरीन बुक है कि आपकी पूरी जिंदगी बदल देगी। मैं कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, इसलिए हम आप देखेंगे यहाँ से आपको कोई मार्केटिंग का वो भी नहीं मिलेगा, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पर फ्री में भी आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं आपकी लाइफ चेंज करना चाहता हूँ, आइए देखते हैं कैसे आपकी लाइफ में चेंज कर सकता हूँ। देखिए इसमें जो सात लेसन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक करके हम सारे लेसन के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कैसे आपकी जिंदगी बदल सकती है। जो सबसे पहली चीज है क्या है, जो सबसे पहली चीज है प्रोएक्टिव। क्या है प्रोएक्टिव? प्रोएक्टिव का मतलब ये होता है देखिए कि आपको एक दिमाग में क्या होता है, जैसे आप तैयारी कर रहे हैं ठीक है, दिक्कत क्या होती है, कुछ लोग आपको बोल दिए अरे तुम एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते, तुम ये नहीं, अब आप क्या है डर गए, आपका जो माइंडसेट है डगमगा जा रहा है ठीक है, आपको डर लग रहा है, आपको आलोचना से डर लग रहा है। तो ये दिखाता है कि आपको प्रोएक्टिव रहना है, आपको थोड़ा अवेयर रहना है, आपको ये मान के चलना है ऐसी चीजें आएंगी ठीक है, चारों तरफ का जो आपका इन्वायरमेंट होगा वो गड़बड़ हो सकता है, लेकिन आपको क्या करना है डटे रहना है, आपको क्या है अपना माइंड काम करना है, आपको ये मान के चलना है कि आपकी लाइफ जो है, आपका जो माइंड है उसको आपको कैसे रखना है ये आपके ऊपर डिपेंड होना चाहिए, आपकी खुशी आपके ऊपर डिपेंड होना चाहिए। जैसे कुछ स्टूडेंट होते हैं, मैं उनकी प्रॉब्लम बताऊं क्या होता है, जैसे एग्जाम एक दो बार नहीं निकला, उनको कुछ लोग बोलते हैं तुम्हारा एग्जाम नहीं निकलेगा, तो डर जाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं तुम्हारे पास क्या है, तुम कैसे एग्जाम क्रैक करोगे, तुम्हारे पास कोचिंग नहीं, क्लासेस नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको सोचना है कि मेरे पास जुनून है, जिद है, पागलपन है ठीक है। क्या है? जुनून, जिद है, पागलपन है, उससे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जी हाँ दोस्तों, यही सब कुछ होता है, यही सब कुछ होता है जिससे पूरी जिंदगी बदल सकते हैं ठीक है। विश्वास ठीक है, जो बिलीफ सिस्टम होता है, विल पावर होता है, इतनी बड़ी चीज है जिससे पूरा ब्रह्मांड तक चिटक जाएगा ठीक है। आज मैं मोटिवेशन की आग आपको भर के रहूंगा। तो ये कहते हैं प्रोएक्टिव होता है, मतलब आपको अवेयर रहना है, कोई आपको इफेक्ट कर ही ना सके, सोसाइटी आपको इफेक्ट कर ही ना सके ठीक है। आपको इतना ज्यादा अवेयर रहना है, आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में होनी चाहिए। ये कैसे आएगी, हैबिट से आएगी। आपको बार बार जब भी आपको क्या करे, कोई आपको डराए अरे तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, आपको बार बार कहना है नहीं सब चीज सही हो जाएगा, एक बार में नहीं होगा, लेकिन आपको आदत डालनी है। यही आदत क्या होती है, बिलीनियर्स जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनमें होती है। आपने देखा होगा कि वो कुछ गलती करते हैं तो क्या होते हैं, ट्रोल होते हैं। ट्रोल होने के बावजूद भी क्या होता है, वो अपना काम लगातार करते रहते हैं। आप जरा सोचिए क्या उनके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता होगा, उनको लाखों करोड़ों लोग गालियां कभी कभी देते हैं उनकी छोटी सी गलती पे, लेकिन वो इफेक्टेड नहीं होते, वो लगातार अपना काम करते रहते हैं। तो ये क्या है, प्रोएक्टिव है, मतलब आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, आप इतना अवेयर रहिए, इतना एक्टिव रहिए कि बाहरी सराउंड आपके ऊपर क्या करे, इफेक्ट न डाल सके। उसके बाद क्या है, ये तो पहली हैबिट हो गई। दूसरा क्या है, बिगिन विद द एंड ऑफ द माइंड, माइंड सेट ठीक है, माइंड सेट के बारे में बात है ये। देखिए आप अगर एक स्टूडेंट हैं ठीक है, आपको मान लीजिए आपका सपना है कि आपको बिलीनियर बनना है, आपका सपना है कि आपको एक आर्टिस्ट बनना है, आपका सपना है कि आपको एक क्या बनना है, क्रिकेटर बनना है। तो आपका जो सारा काम हो ठीक है, आपका माइंड सेट उस पर हो, आपके पास एक प्लान हो, सबसे पहले क्या हो, आपके पास एक प्लान हो कि मुझे ऐसे ऐसे वहां तक जाना है। उसके बाद क्या हो, आपका जो सारा वर्क हो क्या हो, कोर फोकस किस पे हो, आपके गोल पे हो। ये होता है माइंड सेट। माइंड सेट का मतलब ऐसा समझिए कि आप एक स्टूडेंट है ठीक है, आपको क्या करना है, यूपीएससी क्रैक करना है। यूपीएससी क्रैक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा। पढ़ाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको माइंड फ्री करना पड़ेगा। अब जब आप जाएंगे गेम खेलने, तो आपके दिमाग में ये रहेगा मैं गेम खेलने जा रहा हूं, लेकिन गेम खेल के जब मैं आऊंगा तो मैं पढ़ाई करूंगा, मैं सोऊंगा तो मैं ज्यादा फ्रेश रहूंगा, मैं क्या करूंगा, पढ़ाई करूंगा। पढ़ाई के बीच में गैप लूंगा, गाना सुनूंगा, मेरा माइंड फ्रेश होगा, मैं क्या करूंगा, पढ़ाई करूंगा। अच्छे लोगों से मिलूंगा, मोटिवेशन आएगा, क्या करूंगा, मैं पढ़ाई करूंगा। कोर फोकस क्या है, माइंड सेट क्या है, यूपीएससी क्रैक करना, माइंड सेट क्या है, क्रिकेटर बनना, माइंड सेट क्या है, आर्टिस्ट बनना, माइंड सेट क्या है, बिलीनियर बनना ठीक है, करोड़पति बनना। तो ये क्या है, माइंड सेट है। ये चैप्टर इस बारे में बात करता है, क्या बात करता है, इस बारे में बात करता है। तो ये आपका माइंड सेट होना चाहिए, आपका कोर फोकस होना चाहिए। कितनी भी चीजें हैं लाइफ में, प्रॉब्लम है, एक टाइम ऐसा भी आएगा, हो सकता है जिंदगी में कि आपको लगे कि कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन आपको बिलीव रखना है, बिलीव रखना है, क्योंकि एक वक्त ऐसा आता है चीजें होती हैं। मैं आपको बता दूं चीजें होती हैं, पूरा ब्रह्मांड झुक जाता है, पूरा दुनिया झुक जाती है आपके सामने, आपको अंदर पागलपन होता है। तो ये किसके बारे में, माइंड सेट के बारे में। एक बार विराट कोहली ने बोला था कि उनसे किसी ने पूछा कि फॉर्म आपका ज्यादा मायने रखता है, माइंड सेट, उन्होंने क्या बोला था, माइंड सेट, मेरा माइंड सेट मायने रखता है। तो ये किस बारे में, माइंड सेट, आपके कोर फोकस के बारे में है। उसके बाद क्या आता है, फर्स्ट कंप्लीट द इंपॉर्टेंट थिंग। देखिए जो बिलीनियर्स होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो 100 काम नहीं करते। आपने एक चीज देखा होगा, वो एक काम करते हैं, उसी एक काम की वजह से जाने जाते हैं ठीक है। माइकल जॉर्डन, उनको क्या बास्केटबॉल खेलना आता था, इसकी ही वजह से पूरी दुनिया में जाने जाते थे वो ठीक है। एक काम आपको ऐसा हो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उनको खत्म करेंगे। मान लीजिए कि आप एक क्या है, मार्शल आर्टिस्ट है, आपको
प्रैक्टिस करना है, ठीक है, कराटे आपको प्रैक्टिस करने हैं, तो सबसे पहले आपको लाइफ में इंपॉर्टेंट काम क्या है, आपको कराटे प्रैक्टिस करने हैं। मैं एज ए टीचर हूँ, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, यूट्यूब पे वीडियो डालना है या लेक्चर देना है, ये सबसे पहला मेरा काम होना चाहिए। सबसे पहले आप उनको खत्म करिए, उसके बाद क्या है, उसके बाद उन कामों को खत्म करिए जिससे कम जरूरी है, जैसे कि आपको किसी से मिलना है, दोस्तों से मिलना है, या आपको अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना है, अपनी वाइफ से मिलना है, कुछ ऐसा काम हॉस्पिटल में किसी से मिलना है, उसके बाद उनसे मिलने जाइए। हॉस्पिटल मिलने का मतलब ये है कि जैसे नॉर्मल रिश्तेदार हूँ। उसके बाद क्या और भी चीज़ें हैं, जैसे कि कोई और किसी से कॉल में बात करना है, कोई ऐसी छोटी मोटी मीटिंग्स हैं, तो आप वो करिए, लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें आप करिए। देखिए होता क्या है कि जब आप अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहेंगे, आपको मान लीजिए यूपीएससी क्रैक करना है, ठीक है, या आपको बिलियनर बनना है, आपको कुछ भी करना है, तो आपका एक फोकस है, तो आपके जिंदगी में ऐसा आएगा टाइम कि कभी ना कभी चीज़ें डिस्ट्रैक्ट होंगी, जैसे कुछ प्रॉब्लम आ गई, कुछ ये आ गया, कहीं वो काम आ गया, तो ऐसे तो आपका डेली वो टाइम खराब होगा। तो आपके दिमाग में ये रहना चाहिए, मुझे सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ करनी है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ करनी है, उसके बाद क्या होगा, बाकी सारा काम नहीं करेंगे तो चल जाएगा, लेकिन अगर इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं करेंगे तो आपकी लाइफ खत्म हो जाएगी। यूपीएससी क्रैक नहीं होगा, कोई भी चीज़ क्रैक नहीं कर सकते, बिलीनियर नहीं बन सकते, क्योंकि एक बार यूपीएससी क्रैक कर लिए तो सब कुछ है, बिलीनियर बन गए तो सब कुछ है। तो क्या है, आपको पहले सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट चीज़ खत्म करनी है, दिन में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ खत्म करनी है। मैं आपको बता दूं कि जो एलॉन मस्क हैं ये क्या करते हैं, ये सुबह नाश्ता भी नहीं करते, ठीक है, ये क्या करते हैं, 6 से पहले 7 से लेकर 12-1 बजे तक इंपॉर्टेंट काम खत्म कर लेते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो जेफ बेजोस हैं ये 8 घंटे सिर्फ काम करते हैं, लेकिन क्वालिटी वर्क करते हैं, ये अपने अपना ऑफिस का काम करते हैं, बाकी सारी चीज़ें नहीं करते हैं ये, ठीक है। तो कोशिश करिए फालतू चीज़ को डिनाई करिए, इंपॉर्टेंट चीज़ को सबसे पहले खत्म करिए, ये आपके लाइफ में आपका बूस्ट लाएगा, ये आदत उनमें होती है, ये कोर, ये सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट ये है, अब बहुत जरूरी है। उसके बाद क्या है विन विन सिचुएशन। देखिए विन विन सिचुएशन का मतलब क्या है, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। देखिए आप एक बिजनेसमैन हैं, सफल बिजनेसमैन कौन है, बिजनेस में सफल वो है जो कस्टमर के साथ क्या करे, ऐसी डील हो उसके साथ जो विन विन हो। जैसे जियो है, जियो क्या करता है, वो कस्टमर को क्या करता है, इतनी सही सर्विस देता है, उसके बदले पैसा भी लेता है, हम भी खुश हैं, हमको भाई जब वो शुरू में आया तो हमको क्या इंटरनेट फ्री में मिला, लेकिन उसको क्या फायदा, वो भी पैसा कमा रहे, दोनों खुश हैं, विन विन है। लेकिन वही पहले क्या था, एयरटेल क्या करता था, 1 GB देता था, लेकिन ना महंगा देता था, तो होता क्या था कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो इसी का फायदा जियो आया, उसने क्या किया, विन विन सिचुएशन खेला, कस्टमर और कंपनी के बीच में क्या है, अच्छा खासा बॉन्डिंग बना। यही रिश्तों में भी होता है, आप अपने दोस्तों के साथ विन विन सिचुएशन रखना, ऐसा नहीं कि आप मतलब सोचें वो मेरे लिए करें मैं उसके लिए कुछ ना करूं, आपको भी उसके लिए कुछ करना है, वो भी आपके लिए कुछ करें, इसमें क्या है, ये विन विन सिचुएशन है। वैसे ही ये क्यों जरूरी होता है, मान लीजिए आपको कुछ लाइफ में आगे जाना है, आपकी लाइफ में रिश्ते बहुत जरूरी होते हैं। एक रिसर्च में पाया गया था कि रिश्ते जो होते हैं आपको सबसे ज्यादा खुशी देते हैं, पैसे से ज्यादा खुशी आपको रिश्ते देते हैं। अगर आपको खुश रहना है लाइफ में, खुश रहेंगे तो आगे जाएंगे, तो विन विन सिचुएशन आपको करना है। देखिए हमारे यहाँ की दिक्कत क्या होती है, जैसे हमारे यहाँ मतलब जैसे घर में क्या, जैसे आपका छोटा भाई है, आप हैं, अब दोनों भाई में डिबेट हो गया, वो बोलेगा मैं राजा राजा गाना सुनूंगा, अब बोलेगा नहीं मैं बाजा गाना सुनूंगा। अब छोटा भाई बोला नहीं मुझे राजा सुना बाजा सुना, तो जो बड़ा भाई उसको मार मार के दोना कर दिया, इतना मारा उसका मुंह दोने जैसा हो गया, तो फिर पापा को पता चला, पापा आएंगे तो बड़े भाई को मार के बानर बना देंगे। तो ये क्या है, चीज़ें गड़बड़ हो रही है। आप क्या करिए, डिस्कस कर लीजिए, ठीक है आधे घंटे तुम राजा राजा सुनना, आधे घंटे मैं बाजा बाजा सुनूंगा, तो दोनों अपना बराबर गाना सुन लेंगे, इससे क्या होगा, एक विन विन सिचुएशन क्रिएट होगी। आपको लाइफ में अगर आगे जाना है, ठीक है, बिजनेस में, सोशल लाइफ में, कहीं भी आगे जाना है, आपको विन विन सिचुएशन क्रिएट करना पड़ेगा। आपको एक ऐसी हैबिट बनानी पड़ेगी कि आप सिर्फ अपने फायदे के बारे में ना सोचें, आप ये सोचें कि मैं उसको कितना दे सकता हूँ, जब आप किसी के लिए करेंगे तो वो भी आपके लिए करेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, विन विन सिचुएशन होता है। दूसरी बात क्या होता है, लिसनिंग। लिसनिंग एक ऐसी हैबिट है, ठीक है, देखिए सुनना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अगर आप लाइफ में, एक चीज मैं आपको बता दूं, लाइफ में आपको किसी को इंप्रेस करना है, आप सिर्फ उसकी बात को ध्यान से सुनिए, ठीक है, उसके नजरिए से देखिए। होता क्या है कि जिंदगी में जो बड़े लोग होते हैं वो सिर्फ अपने नजरिए से चीज़ों को नहीं देखते हैं, उस एज ए कंडीशन उनके भी नजरिए से चीज़ें देखते हैं। तो किसी को आपको लाइफ में खुश करना है, किसी को समझना है, उसकी बातों को सुनिए, उसकी बातों को ध्यान सुनिए। रिसर्च में पाया गया है कि जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो उनके पेशेंट होते हैं, वो सबसे ज़्यादा उनसे कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि जो साइकोलॉजिस्ट होता है उनकी बातों को ध्यान से सुनता है। तो आपको क्या करना है, लोगों को सुनना है, लोगों को समझना है। देखिए जब आप लोगों को सुनेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो इससे दो फायदा होगा, एक तो आपका कनेक्शन अच्छा हो रहा है, आपको नॉलेज मिल रही है। देखिए जो ज़्यादा पक करता है उसको नॉलेज मिल नहीं पाता, क्योंकि आप नॉलेज ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो। एलॉन मस्क क्या कहते हैं, एलॉन मस्क ये कहते हैं कि मेरे पास जब कोई आता है, इंजीनियर आता है, मैं उससे 10 सवाल पूछता हूँ, वो बोलता है मैं ध्यान से सुनता हूँ, मुझे नॉलेज मिल जाता है, मुझे ज़्यादा किताब पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। तो आपको क्या करना है, आपको लिसनिंग, ये प्रोसेस आपको लानी है, ठीक है, आपको लोगों को ऑब्जर्व करना है। और दूसरी बात, जब वो गलती करे उनके भी कंडीशन पे जाके आप देखिए कि कहीं क्या दिक्कत उसको हो रही है, तो आप उसके नजरिए को समझ पाएंगे, आपको उनको वैल्यू देनी है। ये चीज नहीं करनी, आपको उनके भी नजरिए से देखना है, लिसनिंग करना है, ऑब्जर्व करना है। ये लाइफ में बहुत है, क्योंकि आप यूपीएससी का एग्जाम क्रैक आपको करना है, तो आपको सबसे ज्यादा ऑब्जर्व करना होगा, आपको लेक्चर्स लेने होंगे, आपको टॉपर्स जो है उनको एनालाइज करना होगा कि किस स्ट्रैटेजी से वो आगे जाते हैं। आपको बिलीनियर बनना है तो वो देखना होगा कौन सा ऐसा मार्केट सेक्टर है जिसमें हमको जाना होगा, उसके लिए आपको शांत होना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा, लिसन करना पड़ेगा, लोगों को सुनना पड़ेगा। तो ये क्या है,
ये चैप्टर उस बारे में है। दूसरा क्या है? सिनर्जी। सिनर्जी का मतलब क्या होता है? सिनर्जी का मतलब ये होता है कि अगर ठीक है अगर आपको किसी कोई चीज बड़े लेवल पे करनी है तो आपको क्या है, लोगों से मिलजुल के काम करना है, लोग एक टीम बना के काम करना है। दिक्कत क्या होती है, बहुत सी कंपनी आप देखेंगे टूट जाती हैं। क्यों टूट जाती हैं? वो इसलिए टूट जाती हैं क्योंकि उनमें तालमेल नहीं होता है आपस में। क्या होता है? तालमेल नहीं होता है। अच्छे अच्छे जो माइंड होते हैं ठीक है उनके साथ उनका कनेक्शन नहीं होता है। मैं एक जो जो वर्जिन कंपनी के फाउंडर हैं ठीक है रिचर्ड ब्रांसन, उनकी खास बात क्या है, वो क्या करते हैं लोगों को जोड़ के रखते हैं। वो बोलते हैं कि जो आपके एम्प्लॉई हैं, जो आपके लोग हैं, उनको इतना प्यार करो, आप इतना प्यार करो, अपने से ज़्यादा उनको वैल्यू करो, तो आपको कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। क्योंकि कंपनी तभी चलती है जब उस कंपनी में लोग रुके रहते हैं। अगर छोड़ छोड़ के जाएंगे मोमेंटम नहीं बन पाता, कंपनी वहीं पर गिर जाती है। वैसे आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको भी अपने जो प्रोफेसर इनके साथ क्या होना है, सिनर्जी तालमेल बैठाना पड़ेगा ताकि उनसे लगातार नॉलेज ले सके। जो अच्छे अच्छे लोग उनके साथ तालमेल बैठाना पड़ेगा, जो टॉपर्स हैं उनसे आप मिलिए, उनके साथ तालमेल बैठाइए ठीक है। तो वो क्या करेंगे, आपको आगे ले जाने में बहुत मदद करेंगे। जैसे कंपनी आगे जाती है वैसे आपकी लाइफ आसपास के लोगों की आपसे आगे जाती है। तो सिनर्जी क्या है, ये तालमेल के बारे में है ठीक है। ये आदत देखिए बहुत जरूरी है। ये सात आदत ऐसे, ऐसा नहीं है कि सात आदत ऐसे आ गए हैं, इस पर बहुत डीप रिसर्च किया गया है। डीप तभी तो ये किताब इतना बिकी है, तभी तो ये बुक ऐसी इतनी ज्यादा नहीं बिक गई है। तो ये इतनी ज्यादा जरूरी है। आप सोचिए आपकी लाइफ में सफरिंग है, आपकी लाइफ में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है, आप यूपीएससी क्रैक करेंगे लाइफ चेंज हो जाएगी, लेकिन नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते हैं? यही सब तो चीजें इंपॉर्टेंट है। देखिए पढ़ाई तो अपने आप हो जाएगी। अगर एक बच्चा आठ घंटे बैठने की आदत हो जाए ना किताब के सामने तो ऑटोमेटिक पढ़ने लगेगा। लेकिन होती क्या है, आदत नहीं है ना, तो आदत बिल्ड करनी, चीजें अपने आप हो जाएंगी। तो आपको क्या करना है, सिनर्जी की हैबिट बिल्ड करनी है। ये क्या छठवां हैबिट है, उसके बाद लोगों में गलती क्या होती है दूसरी, जो छठवीं जो और लोग गलती करते हैं, गलती ये होती है उनमें, वो लगातार बैल की तरह मेहनत करते जाते हैं, भैंस की तरह से मेहनत करते जाते हैं फिर बाद में बो करते हैं। देखिए होता क्या है कि आप सिर्फ मेहनत करते रहेंगे, आपके माइंड को क्या होगा कि आराम करने के लिए मौका नहीं मिलेगा ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ काम करना, उसके बाद आपको नॉलेज लेना है। क्या करना है, नॉलेज लेते रहना है, लगातार खुद को इंप्रूव करना है, शार्पन द सा ठीक है, मतलब अपनी आरी को हमसे धारदार बनाना है, लगातार नॉलेज लेते रहना है इंप्रूव करना है। क्या करना है, इंप्रूव करना है। आप सेल्फ डेवलपमेंट की किताबें पढ़ सकते हैं ठीक है, आप अच्छे अच्छे टॉपर से नॉलेज ले सकते हैं, यूट्यूब वीडियो दे सकते हैं, हमारा कोर्स स्टेज मैनेजमेंट का वो आप ले सकते हैं, कंबाइंड कोर्स है वो भी आप ले सकते हैं, मतलब आप कहीं से भी लीजिए, हमारा भी लीजिए, कहीं से भी लीजिए, हमारे से लेंगे तो और भी अच्छा होगा। हमारी कंपनी में थोड़ी सी मतलब हमारे लोगों को क्या होता है कि पेमेंट भी देना होता है, तो उनको सर्वाइव करने के लिए करना भी पड़ता है ठीक है। तो शार्पन द सा, आपको क्या करना है, अपने नॉलेज को इंप्रूव करना है, लगातार इंप्रूव करना है ठीक है, नॉलेज लेते रहना है। और लगातार आप जब इंप्रूव करेंगे तो आपके पास आसपास के लोग पता है आपसे अट्रैक्ट होते हैं, एक अलग ही एनर्जी आपके अंदर होती है जब इंसान कोई लगातार इंप्रूव होता है ठीक है। इंप्रूव होते 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 एक टाइम ऐसा आता है उसके पास इतना नॉलेज, इतना ज्ञान हो जाता है कि वो कुछ भी कर सकता है ठीक है। नॉलेज इज पावर ठीक है, मैं हमेशा ये बोलता हूँ, नॉलेज इज पावर ठीक है। आपको क्या इंप्रूव करते रहना, अगर आपको बिजनेस अपडेट रहना कि नई टेक्नोलॉजी क्या आ रही है, वो बिजनेस अगर मार्केट में लाएंगे चलेगा कि नहीं चलेगा, तो क्या करें, आप मार्केट में सफल हैं ठीक है, आप मार्केट में सफल हैं, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपको क्या करना है, लगातार आपको जो टॉपर्स हैं सबसे लगातार अपडेट लेना है कि सर आप कौन सी नई स्ट्रेटेजी आ रही है, जो बुक आते हैं ऐसे जो बताते हैं ट्रिक्स के बारे में कि किस तरीके से पढ़ाई करें बहुत आगे जा सकते हैं, आपको लगातार वो लेते रहना। अगर आप क्रिकेटर हैं तो आप देखिए कि जो नए नए क्रिकेटर आ रहे हैं वो क्या किस तरीके से खेल रहे हैं, कौन सा एक्सरसाइज करें जो हमारी बॉडी और फिट हो और ज्यादा एनर्जी हमारे अंदर हो। तो आपको क्या करना है, लगातार अपडेट करते रहना है। ये क्या है, शार्पन द सा ठीक है, मतलब आरी जो आपका दिमाग है उसको क्या करना है, धारदार बनाना है, लगातार नॉलेज से भरते रहना है, लगातार अपडेट लेते रहना है। ऐसा भी नहीं कुछ भी आप लेते रहिए, इंप्रूवमेंट के बारे में लेते रहिए, इंप्रूवमेंट की माइंड को एफिशिएंट कैसे बनाएं, चीजें जल्दी याद कैसे रखें, मतलब कौन सी एक्सरसाइज है जिससे मेरी पूरी बॉडी क्या हो, काल हो, मतलब शांत हो, एफिशिएंट हो ठीक है। तो आपको ये करना है। तो ये मैंने आपको सात हैबिट बताई। ये सात हैबिट क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, एक बात आप समझिए, आपको हजार चीजें नहीं करनी है, आपको एक ऐसी चीज करनी है जिससे आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाए, जब एक कंपनी होती है पता क्या करती है, वो क्या करती है, उनके एक ऐसे ऐड होते हैं जो पूरा जलजला ला देते हैं मार्केट में, क्योंकि लोग इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। तो 100 चीजें नहीं करते हैं, वो एक चीजें करते हैं, बेहतर करते हैं। वैसे आपको 100 चीजें मत करिए, आप ये सात हैबिट सिर्फ अपने आदत में ला लीजिए, आप उस लेवल पे होंगे, कहाँ पे, जो बेस्ट लेवल है आप वहां पे जा सकते हैं। अब वो जा सकते हैं तो आप भी नहीं जा सकते हैं, आप भी जा सकते हैं ठीक है। आप जो स्टूडेंट हैं जो क्रैक करता है एग्जाम, आप में क्या फर्क होता है, आप भी 12 घंटे पढ़ते हैं, वो भी 12 घंटे पढ़ता है, लेकिन वो एग्जाम क्यों क्रैक करता है, क्या आदत, हैबिट बहुत जरूरी है, आदत बहुत जरूरी है। एक बार आदत आपके अंदर आ जाएगी तो आप हमें हर जगह रहेंगे, सक्सेसफुल रहेंगे, हर जगह लाइफ में ग्रो करेंगे। तो दोस्तों ये मैं लाया था आपकी मदद करने के लिए ठीक है, मतलब मैं मदद नहीं कर रहा हूँ, ये किताब आपकी मदद कर रही है, मैं तो वो इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ ठीक है, उस इन्फॉर्मेशन को डिलीवर कर रहा हूँ ताकि आपकी हेल्प हो सके, एज ए स्टूडेंट आपकी भी हेल्प हो सके। इसको आप क्या कर सकते हैं,
इसको आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, लेकिन शेयर जरूर करिएगा। मेरे और भी वीडियो आते हैं, मैं कभी शेयर करने के लिए नहीं कहता हूँ, लेकिन ये क्यों कहता हूँ, ये इसलिए कहता हूँ ताकि और भी लोगों की मदद हो सके, जो आप जैसे स्टूडेंट हैं उनकी मदद हो सके। क्योंकि मैं भी बहुत सारी वीडियोज़ देखता हूँ, मुझे बहुत से लोग शेयर करते हैं, बहुत सी वीडियो ने मेरी लाइफ चेंज कर दी है, तो मैं चाहता हूँ कि इसको आप शेयर भी करिए ताकि अपने दोस्तों की मदद भी करिए। अगर वो एज ए स्टूडेंट हैं, आपके छोटे भाई, उनके भी आप हेल्प करिए। तो प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।